गाइस, आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम से ओजी लिट की टीम बहुत ज्यादा क्लैश लैंडिंग कर रही है। कभी वो द माफिया के साथ क्लैश लैंडिंग कर रही है, कभी उनकी टीम वटेलिटी के साथ क्लैश लैंडिंग हो रही है, और कैमेन ईस्पोर्ट के साथ तो ऑलमोस्ट हर मैच में क्लैश लैंडिंग हो रही है। और कैमेन ईस्पोर्ट और ओजी लिट के बीच में इमोट बैटल भी चल रहा है। तो ओजी लिट की टीम क्यों क्लैश लैंडिंग कर रही है ये पहाड़ी ने अपने मुंह से खुद बताया है। तो पहले आप लोग पहाड़ी की क्लिप देखो, उसके बाद मैं आप लोग को पहाड़ी की क्लिप अच्छे से समझाऊंगा, और वीडियो के लास्ट में आप लोग को ये बताऊंगा ओजी लिट की टीम कैमेन ईस्पोर्ट के ड्रॉप पॉइंट में क्यों उतर रही है, वो कोई और टीम के ड्रॉप पॉइंट में क्यों नहीं उतर रही है। तो पहले आप लोग पहाड़ी क्लिप देखो। क्लैश लैंडिंग अवॉइड करो टूर्नामेंट में यार। ब्रदर देखो, स्क्वाड्स इतनी ज्यादा हो गई है ना फ्री फायर में, लाइक क्लैश लैंडिंग अवॉइड करना मतलब कैसे कर सकते हैं यार। देखो अपना पहले जो लाइक हम चार बंदे जो हम खेलते थे पहले, ठीक है, उन लोगों का फिक्स ड्रॉपिंग पॉइंट था कैप टाउन, काउंसिल हॉल एंड स्किल लॉज। तो इन जगहों पे क्लैश इसलिए नहीं होता था बिकॉज हम काफी टाइम से खेल रहे थे उस जगह पे, एंड काफी ऑफिशियल हम खेल रखे हैं उस जगह पे, तो बंदों को पता है प्रॉपर कि हाँ ये ड्रॉपिंग पॉइंट इस स्क्वाड का है, तो यहाँ पे जाना बेकार है, तो इनका भी गेम खराब होगा, हमें भी दिक्कत होगी। तो वो वहां पर वो वाला सीन रहता था। अभी सीन क्या है, एक सेकेंड, ओके। तो अभी सीन क्या है, अभी सीन है कि अपन लोगों की अभी अलग स्क्वाड है, एंड तो अभी कोई भी ड्रॉपिंग पॉइंट ऐसा कोई खाली नहीं है कि लाइक हम उस ड्रॉपिंग पॉइंट को कैप्चर कर सके, तो इसलिए यार क्लैश तो देखो क्लैश तो लेना पड़ेगा यार। अब अपने को भी ड्रॉपिंग पॉइंट बनाने हैं तो अपने को उसके लिए लड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। देखते क्या सीन रहता है, कब तक चलती हैं लड़ाइयां। अभी एक आधी ऑफिशियल आएगा तो थोड़ा मजा आएगा, अभी प्रो लीग आने दो मचाते। आप लोगों ने पहाड़ी क्लिप देख ली होगी, और पहाड़ी क्लिप में बिल्कुल सही कह रहे हैं। टूर्नामेंट में पहले से ही टीमों का ड्रॉप पॉइंट फिक्स रहता है, तो जो न्यू न्यू टीम आती है वो कहाँ उतरेगी, पहले से ही सारी टीमों का ड्रॉप पॉइंट फिक्स है। तो अगर वो किसी के भी ड्रॉप पॉइंट में जाएगी तो क्लैश लैंडिंग होगी। और ये सेम चीज ओजी लिट के साथ हो रही है। जब ओजी लिट की टीम एक थी, एक से मेरा मतलब है किलर आइकॉनिक ओजी लिट के साथ खेलते थे, तब ओजी लिट की टीम का ड्रॉप पॉइंट फिक्स था। बरमुडा के मैप में कैप टाउन, परगेट्टी के मैप में स्काई लॉज, कालाहारी के मैप में काउंसिल हॉल, उनका ड्रॉप पॉइंट फिक्स था। बट जब से आइकॉनिक और किलर टीएजी आर्मी से खेल रहे हैं, बरमुडा के मैप में कैप टाउन में ओजी लिटी उतरती है, बट जो परगेट्टी का मैप है उसमें स्काई लॉज में टीएजी आर्मी उतरती है। अब अगर ओजी लिट स्काई लॉज उतरेगी तो उनकी टीएजी आर्मी के साथ क्लैश लैंडिंग हो जाएगी, तो अब ओजी लिट कहाँ उतरेगी, इसलिए वो मार्वल वर्क्स उतरती है और कैमिन स्पोर्ट के साथ क्लैश लैंडिंग करती है। और ये सेम चीज कालाहारी के मैप में होती है। कालाहारी के मैप में काउंसिल हॉल में टीएजी आर्मी उतरती है। अब अगर ओजी लिट काउंसिल हॉल उतरेगी तो उनकी टीएजी आर्मी के साथ क्लैश लैंडिंग हो जाएगी, इसलिए वो रिफाइनरी उतरती है और कैमेन ईस्पोर्ट के साथ क्लैश लैंडिंग करती है। अब बात करते हैं ओजी लिट की टीम कैमेन ईस्पोर्ट के ड्रॉप पॉइंट में क्यों उतर रही है, कोई और टीम के ड्रॉप पॉइंट में क्यों नहीं उतर रही है। सबसे पहले बात करते हैं कालाहारी के मैप की। ओजी लिट की टीम कालाहारी के मैप में रिफाइनरी में इसलिए उतरती है क्योंकि रिफाइनरी ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत बार जोन बनता है। ऊपर से रिफाइनरी कालाहारी मैप का सेंटर भी है, और रिफाइनरी के आसपास बहुत सारे टावर भी है जहाँ पर आप सोलो सर्वाइव कर सकते हो और वहाँ से टीम को मार सकते हो। और दूसरी चीज ये जो मेरे को लगता है, डेड सोल ने ओजी लिट की टीम को बताया होगा कि तुम लोग रिफाइनरी उतर सकते हो, और डेड सोल ने ओजी लिट की टीम को रिफाइनरी में होल्ड करना भी सिखा दिया होगा। अब बात करते हैं परगेट्री के मैप की। परगेट्री के मैप में ओजी लिट का मार्बल वर्क्स उतरने का एक ही रीजन हो सकता है जो मेरे को लग रहा है, वो है डेड सोल, क्योंकि मार्बल वर्क्स ऐसी एरिया है जहाँ पर होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और जहाँ पर कैमेन ईस्पोर्ट बहुत अच्छे से होल्ड करती है। अब अगर ओजी लिट वहाँ पर उतर रही है तो मेरे ख्याल से डेड सोल ने ओजी लिट की टीम को सारी स्ट्रेटेजी बता दी होगी और मार्बल वर्क्स का फायदा नुकसान सब चीज बता दिया होगा, और कैसे आप कैमेन ईस्पोर्ट को मार सकते हो वो भी उन्होंने बता दिया होगा, तब ओजी लिट की टीम मार्बल वर्क्स उतर रही है। अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में 900 लाइक कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।